हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग एड इस्लाम गए, काफी एंजॉय किया। ठीक है, खजल खरी तो बहुत हुई, चल झूठा, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया। ठीक है, तो बाइक के आप लोगों ने हालत देख ली थी, हमारी भी हालत आप लोगों ने देख ली थी, मेरी तो हालत आप लोगों ने देखी थी, फुल टाइम 7 अप हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन बाइक की हालत आप लोगों ने देखी थी कि बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी थी। ठीक है, तो कल मैंने आते सबसे पहले काम यही किया है कि बाइक को मैंने करवाया लश पश। कल मैं गया हूँ सर्विस स्टेशन, ठीक है, क्योंकि गारा वगैरह काफ़ी उसके इंजन में, टायर्स के ऊपर, ठीक है, स्टैंड पे और फ्रंट टायर के मरघाटों के अंदर, डिस्क के ऊपर, तो हर तरफ ही गारा गारा नज़र आ रहा था। तो घर में तो ना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं कल गया हूँ सर्विस स्टेशन। ठीक है, तो अभी आप लोग बाइक की हालत चेक कर सकते हैं, एकदम लश पश हो चुकी है। आप लोग बाइक की हालत चेक कर सकते हैं, एक टाइम ब्रो ने लश पश करवाई है कल। ठीक है, तो जी गाइस, बाइक की हालत आप लोगों ने चेक कर ली है। ठीक है, एकदम लश पश कर खड़ी कर दिया। आज का सीन ये है कि मैं भी आज जा रहा हूँ जमालपुर में जमीनों पे। ठीक है, और आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो मैं और जा रहे हैं बाबा और साथ में। हम लोग भी पहुंच चुके हैं जमालपुर, अपनी ज़मीनों पे मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ज़मीनें हैं मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फसल इस बार काश्त की हुई है, धान की। धान का मतलब है चावल, चावल की फसल काश्त की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे धान की फसल काश्त की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ, बाबा हैं, साथ में चाचू हैं। ठीक है, हम लोग तीनों यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रे वगैरह करवानी थी, तो वो स्प्रे वगैरह करवाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को स्प्रे वगैरह करने के मनाजिर वगैरह सारा कुछ दिखाता हूँ जी। और ये अभी स्प्रे देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये ज़मीन चेक कर सकते हैं आप लोग सारी। इस बार हमने धान की फसल काश्त की है, चावलों की। वो अपनी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो जी मैं अभी, अगर हम लोग अपनी ज़मीनों से इधर आ जाएं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे छोटा सा डेरा है। ठीक है, और अगर हम इस साइड पे आ जाएं, तो यहाँ पे जी ट्यूबवेल लगा हुआ है, दो ट्यूबवेल लगे हुए हैं हमारे डेरे पे। ठीक है, और ये ट्यूबवेल अभी हमने नया लगवाया है, और उसके बाद इस साइड पे इसका रूम है जहाँ पे इसकी मोटर वगैरह पड़ी हुई है। ये इसकी मोटर पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर हम मज़ीद इस साइड पे चले जाएं, तो आपको अभी मैं इस साइड का भी टूर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर ट्राला आया हुआ है, कल से ये ट्रैक्टर ट्राला आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खाद वगैरह लेके आए हुए और स्प्रे वगैरह करवा रहे हैं। और इस साइड पर ये ट्यूबवेल का पानी, अभी चूँकि लाइट नहीं है तो इसकी वजह से ट्यूबवेल चल नहीं रहा, अगर लाइट होती तो इंशाल्लाह ट्यूबवेल चल रहा होना था। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को मज़ीद उस साइड पे ले जाऊँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये डेरा है यहाँ पे, और ये एक रूम है। तो जी, उस साइड से आने के बाद हम लोग इधर आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भी धान की सूरत हाल। इस साइड पर भी एक ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल वो है और एक ट्यूबवेल ये है, ये पुराना ट्यूबवेल है और वो नया ट्यूबवेल है। इस साइड पे भी ट्यूबवेल के आप हालत देख सकते हैं, ये भी काफ़ी गहरा है। और ये डॉगी जी लेट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस ट्यूबवेल का पानी इधर आता है। माशाल्लाह, काफ़ी इस बार अच्छी फसल हो रही है धान की। तो
तो जी इस सब के बाद आपको आप लोगों को मैं एक और चीज़ का दरख्त दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पे डेरे पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दरख्त है वो है आम का, ठीक है, अचारी आम जिसको बोलते हैं। उन यहाँ से आम उतरते हैं तकरीबन 1 साल के बाद, जैसे इस साल आम उतरे हैं तो 1 साल छोड़ के फिर 1 साल बाद उतरेंगे आम। तो अभी मैं आप लोगों को वो दरख्त दिखाता हूँ। तो ये है जी वो दरख्त, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ा दरख्त है। इस साल आम इस पे लगे थे, हमने उतार लिए और 1 साल छोड़ के अब दोबारा इस पे आम लगेंगे, ठीक है। तो अगर हमने दोबारा अब जिस साल दोबारा आम लगेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उस साल का भी बताऊंगा कि क्या कैसे आम लगते हैं, क्या सूरत हाल है, कैसे उतारते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं इस टाइम अभी डेरे पे हूँ, ठीक है, फुल पसीना आया हुआ है, ठीक है, हालत मेरी पूरा टाइम सेवन अप हो चुकी है, लेकिन इंजॉय हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो जी इस टाइम ये हम बनो बनी हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस बन्ने पर चल रहे हैं अभी, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। अब पानी लगा हुआ है क्योंकि कल भी बारिश आई और वैसे भी ट्यूबवेल चल रहे हैं और पानी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जी अभी हम होते हैं यहाँ से बनो बनी। आगे आ चुका हूँ, पीछे से वो डेरा रहा और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। और बाबा लोग वो हैं और यहाँ से आप लोग फसल चेक कर सकते हैं, काफी माशाल्लाह इस बार अच्छी फसल है। तो जी अभी मैं ट्यूब वहाँ से गेड़ा गुड़ा लगा के आ चुका हूँ, ठीक है, और अभी वापस आया हूँ ट्यूबवेल के पास, लाइट आ चुकी है, ट्यूबवेल चल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। हाय 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 हाय, कितना क्षार पानी। अगर आप ट्यूबवेल के पानी के हाथ पानी तो जी अगर आप ट्यूबवेल के पानी का प्रेशर चेक करें तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कितनी स्पीड से पानी आ रहा है देख सकते हैं आप लोग। आप लोग सोच रहे होंगे ये ड्रम यहाँ पे क्यों पड़े हैं, इस ड्रम के अंदर पता नहीं खाद है या स्प्रे है, वो मुझे नहीं पता, फिलहाल ये खाली हो चुके हैं। और पानी यहाँ से होता हुआ आगे जा रहा है, मैं आगे भी आप लोगों को मनाजिर चेक करवाता हूँ। गाइस ये खाद ही है जो उनके अंदर थी ना, वो खाद ही थी। तो अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं आप लोग गाइस, कितना साफ पानी है और इस तरफ को जा रहा है अभी पानी। गाइस आप लोग देख सकते हैं इस साइड ही किस तरफ लग रहा है, लेकिन अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जाना मुमकिन नहीं है, पानी है। तो अगर मैं कैमरा लेके जाऊँगा तो खुद भी अंदर ही जाऊँगा और कैमरा भी अंदर ही लेके जाऊँगा फिर पानी में। तो अभी यहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं, जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ। गाड़ी की तरफ भला मैं क्यों जा रहा हूँ, अंकल को चाहिए पैसे क्योंकि स्प्रे वगैरह लेके आनी है, तो गाड़ी में पर्स पड़ा है, वहाँ से निकाल के देते हैं अंकल को पैसे। तो जी अभी पैसे वगैरह निकाल लिए हैं, देख सकते हैं आपको करा करा नोट 5,000 का, और अभी दे रहे हैं अंकल को, ये लो जी पैसे, अंकल जा रहे हैं, देख सकते हैं आप अंकल का हाल, यहाँ पसीनों पसीनी फुल पसीना, ठीक है। तो अभी अंकल जा रहे हैं स्प्रे वगैरह लेने और हम लोग अभी यहीं पे ही हैं। तो जी अभी गाइस फ्यूल चल रहा है, ठीक है, नहाने का प्रोग्राम हो रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पापा भी नहा रहे हैं। उसके बाद अभी मैं जाने लगा हूँ, ठीक है, मोबाइल में पकड़ाता हूँ चाचू को, चाचू बनाएंगे वीडियो। आराम आराम आराम, चले मोबाइल में पकड़ लो, चले पो। तो जी गाइस नानू लिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अभी भाई आपका फुल गीला हो चुका है और अभी खड़े अपने धूप में, ठीक है, बस ये कपड़े वगैरह सुखाते हैं और फिर जाना है घर, ठीक है। इस तरह गाड़ी में बैठे तो गाड़ी सारी पानी पानी हो जानी है अंदर से, ट्यूबवेल अभी चल रहा है, ठीक है, और पापा वो खड़े हैं क्योंकि खाद वगैरह वो मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो अभी ट्यूबवेल तो मेरा ख्याल है 4-5 दिन अभी चलता ही रहेगा।
घर पहुंच चुका हूँ, ठीक है ना। आशा लिया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं भाई ने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओका फिर।